ये ऑपरेशंस इसको छोड़ दो तो सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं इन द ऑपरेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी है ना। ये सर ये इसको एडेनोइडेक्टोमी में करते हैं, एडेनोइड को हटाने में करते हैं ना। तो अब आप लोग कब कम से कम सब लोग अवेयर हो गए हैं कि कहाँ टॉन्सिल है और कहाँ एडेनोइड है ना। तो एडेनोइड है हमारा नेजो पैरिंक्स है ना, उसका रूफ और पोस्टीरियर वॉल लेके वहाँ पर पड़ा हुआ फेमी कैप्सूल है, पेरिंग थोड़ा सा कैप्सूल है ना, नहीं कैप्सूल है नहीं, नहीं कैप्सूल नो कैप्सूल है ना, फेमी कैप्सूलेटेड टॉन्सिल उसमें कैप्सूल नहीं है, क्या है फरोज है ना एंड रिजेज एंड फरोज और लिम्फाइड टिश्यू का कलेक्शन। और यूजुअली ये ग्रो कर रहता है और धीरे धीरे डिग्रेस हो जाता है और 12 साल के आसपास में ये डिसअपीयर कर देता है, ठीक है यूजुअल कोर्स, ठीक है। एडवाइड का हाइपरट्रॉफी क्या कराता है, अगर बड़ा है तो करेगा हियरिंग का प्रॉब्लम करेगा, वॉइस को चेंज करेगा है ना, नेजल वॉइस आएगा है ना, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, बच्चे को सांस में दिक्कत होगी है ना, ये सब चीज़ें इसका फॉर्म है, ठीक है। अब एडेनोइडेक्टोमी करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी, उसी समय पेशेंट को पहले से एग्जामिन किया हुआ है, एक्सरे करा के लेटरल व्यू में देखा हुआ है कि एडेनोइड है, पालपेट भी कर सकते हैं, आ करके जब अंदर जाएंगे है ना पालपेटरी मेथड से तो नेजोफेरिंक्स में जाएंगे तो ऐसा से बिग मार्क्स दिखाई देगा कि हाँ एडेनोइड है, ठीक है ना। जेंटिल करना चाहिए, इंडोस्कोपी कर ही देखेंगे पोस्ट और पोस्ट नेजोफेरिंजियल जो एग्जामिनेशन करेंगे पोस्टीरियर उसमें भी मिलेगा एडेनोइड, इंडोस्कोप डालेंगे उससे भी हम एडवांस लास्ट पोजीशन में जाके देख सकते हैं है ना। ये दीज आर द मेथड्स बाय विच वी कंफर्म अबाउट द एडेनोइड हाइपरट्रॉफी, ठीक है। अब कैसे करेंगे उसको, दिस इंस्ट्रूमेंट इज एडेनोइड क्यूरेट एंड गार्ड, ठीक है ना, इसमें ये दो भाग है ना, एक में यहाँ पर ये शार्प मार्जिन है ना और दूसरा दिस इज यहाँ पर टूथ पे, ठीक है ना, यहाँ पर टूथ है बना हुआ, ठीक है ना, दांत बना हुआ है और यहाँ शार्प, तो शार्प जो है कट करता है और ये जो टीथ वाला पोर्शन है वो गार्ड है, दिस इज क्यूरेट, शार्प वाला पोर्शन वाला है हल्का, दिस इज क्यूरेट एंड दिस इज गार्ड, तो इसमें जो कट करेगा वो टिश्यू एडेनोइड टिश्यू इसी में फंस जाएगा है ना, सो ये नेजोफेरिंक्स में या कहीं स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको ऐसे लगाते हैं, हाउ टू होल्ड दिस इंस्ट्रूमेंट, सो लाइक दिस है ना, कहावत है डैगर की तरह है ना, ऐसे पकड़ते हैं और इसको अपने तरफ रखते हैं, पेशेंट जो है हमारा सुपाइन पोजीशन में बीस में लेटा हुआ, तो हम जब जाएंगे तो उसको अंदर से जाके और ये लेंगे हटाएंगे ना, yes, अंदर नेजोफेरिंक्स में गए ये उबला है, उबला के अंदर गए और यहाँ से ये वाल लेके इसको है ना क्यूरेट कर दिए, बहुत लेटरल नहीं करेंगे इस रीजन ट्यूब डैमेज होना, बहुत डीप नहीं करेंगे उसके पोस्टीरियर जो वाल में जो टीसूज है वो डैमेज करेंगे, समटाइम्स इवन बोन तक पहुँच सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा डीपली और थ्रस्ट करके करेंगे, सो इट शुड बी वेरी जेंटल, ठीक है ना, निकालेंगे और मिड लाइन में करेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, अगर छोटा बड़ा हुआ है तो थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, उसको फिंगर से टच कर लें अंदर, ठीक है ना, दिस इज द वे एडेनोइडेक्टोमी, ठीक है ना। फिर उसमें पैक कर देंगे, थोड़ा पैकिंग करके वॉच पीस लेके पैकिंग डाल देंगे, ब्लीडिंग सिक्योर हो जाए, ठीक है, बाद में ऑपरेटिव के बाद में इसको सबको क्लियर करके हटा लेंगे है ना, समटाइम्स लेफ्ट रह जाता है छूट जाता है जो फिर बाद में सॉलो करेगा तो वो अंदर जाके अटक सकता है ना, ये अपना फिक्स कर देगा, इसलिए सभी जितने भी है पैकेजेस दिए हैं सबको बिफोर ऑपरेशन समाप्त के बाद माने ऑपरेशन के बाद है ना सबको क्लियर करके तब पेशेंट को शिफ्ट करें, तो कैसे ब्लीडिंग चेक हुआ, कैसे ऑपरेशन हुआ, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ, ठीक है ना, कैसे उसको कन्फर्म किए, ऑलमोस्ट करीब करीब छोटे समय में एक दो चार मिनट के अंदर में हम लोग एडेनोइडेक्टोमी,
लेकिन ये 4 मिनट आपको भी घर में निकालना है। 4 मिनट में निकालिएगा तो एडेनोइडेक्टोमी से नहीं आएगा, उसमें ब्लड सप्लाई खड़ा कर दीजिएगा, है ना, उसको छोड़ दीजिएगा सारे, सिर्फ चप्पल खोलिएगा तो बस बिल्कुल कितना समय लगेगा। तो ये हो गया आपका एडेनोइड क्यूरेट विद गार्ड। गार्ड कौन है समझ गए, और गार्ड कौन है ये, और ये क्यूरेट, इसको ऐसे रखेंगे बंद करके और डैगर की तरफ पकड़ेंगे और इसका जो पोर्शन है ये अपने तरफ रखेंगे, है ना, ऐसे स्ट्रिप करेंगे, ठीक है।